हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर क्विक चैप्टर रिवीजन। इस बार हम चैप्टर उठा रहे हैं सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। चैप्टर छोटा है, चैप्टर सिंपल भी है, पर चैप्टर के कई बार प्रेजेंटेशन में इशू आता है कि सर सेट ऑफ को दिखाएं कैसे। आज उसकी भी बात करेंगे, क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑलवेज यू नो आई ऑलवेज लुक एट द पास्ट ईयर PYQ एनालिसिस, और अगर हम देखें यहाँ पर सेट ऑफ का चैप्टर पिछले काफी अटेम्प्ट से रेगुलरली आ रहा है और टोटल इनकम में भी कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। तो सेट ऑफ का चैप्टर है छोटा सा पर इंपॉर्टेंट है, लगभग 4-1 नंबर का पेपर क्वेश्चन में आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो व्हाट इज सेट ऑफ? ऑफ कोर्स पहले हम रूल्स 5 हेड्स के लगाएंगे, सैलरी की इनकम निकालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में अगर एक से ज्यादा घर है तो एक से ज्यादा इनकम या लॉस आएगी, बिजनेस में स्पेकुलेटिव भी इनकम हो सकती है, नॉन स्पेकुलेटिव भी हो सकती है, 35AD की स्पेसिफाइड बिजनेस की हो सकती है, किसी में इनकम हो सकता है, किसी में लॉस हो सकता है। देन यू हैव कैपिटल गेन्स, यू कैन हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस, 112A का इनकम या लॉस, 111A का इनकम या लॉस, अदर सोर्सेज में आपके पास स्पेशल इनकम है, लॉटरी वाली है, अनडिस्क्लोज इनकम्स है एंड बाकी इनकम्स भी है। सो व्हाट यू डू इज फर्स्ट यू कंप्यूट इनकम्स फ्रॉम ईच हेड, फ्रॉम ईच सोर्स। हर हेड की अलग अलग सोर्स की आप इनकम और लॉस अलग अलग निकालेंगे। नाउ उसके बाद हमने क्या करना है, क्लबिंग करना है और सेट ऑफ करना है। पहले क्लबिंग होगा और फिर सेट ऑफ होगा। इससे पिछला जो मेरा QCR वीडियो था क्लबिंग पे था और आज सेट ऑफ पे है, और आज देखेंगे हाउ डू आई फॉलो दिस 5 कॉलम अप्रोच टू अराइव एट द GTI एब्सोल्यूटली विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो अभी 2 मिनट में करते हैं। तो क्लबिंग करने के बाद सेट ऑफ होगा, ये बात क्लियर। यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस क्योंकि क्लब्ड इनकम से भी लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं और क्लब्ड लॉस भी आप अपनी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। बट एक बात जो समझनी जरूरी है, सेट ऑफ इज आफ्टर क्लबिंग तो ठीक है, बट जितने रूल सेट ऑफ के हैं वो लॉसेस पे हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, पर हाउस प्रॉपर्टी लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। यानी आपने दिमाग में जो भी रूल्स लगने हैं लॉसेस पे रखने हैं, इनकम पे नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस पे रूल है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे नहीं है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे रूल है, इनकम पे रूल नहीं है। देन एग्जेम्प्टेड लॉसेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। तो यहां एक याद रखेंगे, एग्रीकल्चर लॉस, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम HUF एंड शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, यानी ये आपके हमेशा एग्जेम्प्टेड लॉसेस है। अगर लॉस आपका सेट ऑफ हो सकता है तो आपको करना ही करना है। आप ये नहीं कह सकते कि सेट ऑफ यार अगले बार कर लेंगे। तो आपके पास लेट्स से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2.5 लाख रुपए की और आपके पास बिजनेस का लॉस आ रहा है 2 लाख रुपए का। अब आप कहते हो कि अगर मैं सेट ऑफ नहीं भी करूंगा तो मेरी GTI आएगी 2.5 लाख, मेरी टोटल इनकम आएगी 2.5 लाख, तो इस पर तो टैक्स लगेगा नहीं, निल हो गया टैक्स। तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, अगले साल फायदा हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर बिजनेस लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, जो कि हो सकता है, तो आपको सेट ऑफ करना ही करना है। यानी आपकी यहां पर GTI 50,000 रुपए ही रहेगी, टोटल इनकम 50,000 रहेगी, कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो कैरी फॉरवर्ड द लॉस, रिटर्न हमारे को ड्यू डेट से पहले ओरिजिनल रिटर्न भरनी जरूरी है। हाउएवर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, इवन इफ द रिटर्न इज बिलेटेड 139.4 है। लॉस वही पर्सन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है जिसको इनकर हुआ। यानी अगर मेरे बिजनेस में लॉस हुआ तो मैं ही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, चाहे मेरा बिजनेस बंद हो गया। अगले 8 साल में अगर कोई बिजनेस शुरू करूंगा तो उससे लॉस को सेट ऑफ कर लूंगा। लेकिन अगर मैंने अपना बिजनेस बेच दिया किसी को तो जिसने मेरे से खरीदा वो मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। इसके बारे में डिटेल में अभी करते हैं 2 मिनट। नाउ देयर इज एन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ इज गिवन अंडर 70, 71 एंड देन 72 to 74। 70 कहता है इंट्रा हेड, पहले करंट ईयर के विद इन द हेड लॉसेस सेट ऑफ करेंगे, फिर करंट ईयर के इंटर हेड करेंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। इस सीक्वेंस को आप तोड़ नहीं सकते, देयरफॉर वी हैव आवर 5 कॉलम अप्रोच। यानी आपने जब टोटल इनकम निकाली, पहले आपने 5 हेड्स की इनकम निकाल ली, फिर आप ये वाला चार्ट बनाएंगे। अब इस चार्ट में आप क्या करेंगे, हर हेड को अलग अलग लेके हर हेड की अपनी अपनी इनकम और लॉस
फ्रॉम ईच सोर्स अलग अलग लिख लेंगे। सैलरी लिखो, हाउस प्रॉपर्टी में एक में लॉस है एक में इनकम है, लॉस है अलग लिखो। बिजनेस में स्पेकुलेटिव का लिखो, इनकम या लॉस, नॉन स्पेकुलेटिव स्पेसिफाई करके देखेंगे, एंड में एक पूरा क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग लिखो, लॉस अलग लिखो, शॉर्ट टर्म गेन लॉस अलग लिखो, लॉटरी की इनकम्स वगैरह अलग लिखो। यानी इस फर्स्ट कॉलम में ईच एंड ईच सोर्स। देन अगर क्वेश्चन में दिया है कि आज से 3 साल पहले एक्स ने असेसी ने अपनी वाइफ को कैश ट्रांसफर करा था और उस कैश से वाइफ ने इस साल करंट ईयर में इंटरेस्ट कमाया एफडी का, तो आपको पता है वो क्लबिंग होगी। अब हम क्या करेंगे, एफडी का इंटरेस्ट पहले वाइफ के हाथ में कंप्यूट करेंगे, इन सारे फिगर्स को कॉपी करेंगे, इन सारे फिगर्स को कॉपी करेंगे और यहां पर जाके एफडी इंटरेस्ट जो वाइफ का था सपोज 50,000 रुपए का था, तो उसको यहां लिख के एक नोट लिख देंगे और नीचे नोट लिख देंगे सर हमने ये क्लब करा है। सो दिस इज प्रेजेंटिंग द आंसर फॉर सेट ऑफ। देन अगर क्लबिंग नहीं है क्वेश्चन में तो यू कैन ओमिट मेकिंग कॉलम नंबर टू। ये कोई हार्ड एंड फास्ट इनकम टैक्स के रूल्स नहीं है, ये तो मैंने एक तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सीक्वेंस ऑफ थॉट में डाला है। देन वी डू आफ्टर इंट्राहेड सेट ऑफ, यानी आपको इंट्राहेड सेट ऑफ पहले हाउस प्रॉपर्टी का सेट ऑफ करो, बिजनेस का करो, कैपिटल गेन का करो, इनको करके यहां फिगर्स लिख दो सेट ऑफ करने के बाद। और जैसे जैसे आप सेट ऑफ कर रहे हो वहां पर आपने कौन से को किससे सेट ऑफ करा नीचे एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने इसको इससे सेट ऑफ करा है। देन वी कम टू आफ्टर इंटरहेड। अब जैसे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है और सैलरी की इनकम है, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या ये इससे सेट ऑफ हो सकता है, रूल्स पढ़ लेंगे। अगर हो सकता है तो सेट ऑफ करने के बाद जो फिगर आ रहा है यहां लिखेंगे और यहां पर एक नोट लिख देंगे भी हमने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ कर लिया। ऐसे आपने आफ्टर इंटरहेड सेट ऑफ, यानी ये आ गया सेक्शन 70, ये आ गया 71, और अब जाके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं उनको आप सेट ऑफ करोगे जिस जिस इनकम से हो सकते हैं, और उसके बाद आप यहां पर फिगर लिखेंगे। तो ये जो टोटल आएगा ये ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस हाउ टू डू दिस, बट एक बार फटाफट 5 कॉलम अप्रोच। पहले कॉलम में हर हेड का हर सोर्स, सेकेंड कॉलम में आफ्टर क्लबिंग, थर्ड कॉलम में आफ्टर इंट्रा हेड सेट ऑफ, फोर्थ में आफ्टर इंटरहेड सेट ऑफ, एंड फिफ्थ में आफ्टर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। नाउ हम पहले रूल्स याद करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया रूल्स लॉसेस पे हैं, तो सैलरी पे तो कोई रूल नहीं है क्योंकि सैलरी पे तो लॉस हो ही नहीं सकता, हाउस प्रॉपर्टी पे आते हैं। नाउ रिमेंबर हाउस प्रॉपर्टी में किसी भी घर में इनकम है, किसी भी घर में लॉस है। लॉस ऑफ एनी हाउस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी हाउस, यानी अगर मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में लॉस है तो मैं उसको लेट आउट घर की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं, डीम लेट आउट घर का लॉस लेट आउट घर की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं, और इस पे कोई लिमिट नहीं है। अब अगर मेरे पास कोई नेट लॉस बच गया है, नेट लॉस, तो वो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई कैन सेट इट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, बिजनेस, चाहे स्पेकुलेटिव हो, स्पेसिफाइड हो, नॉन स्पेकुलेटिव हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112A से किसी और से, शॉर्ट टर्म में 111A किसी और से, अदर सोर्सेज में लॉटरी वाली इनकम यानी 56-1B वाली इनकम और अनडिस्क्लोज इनकम से तो कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है। आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस टेक मनी से भी कर सकते हैं, किसी और इनकम से भी कर सकते हैं, यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से हो सकता है सिवाय लॉटरी एंड अनडिस्क्लोज। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो सकता है बेटा, 2 लाख रुपए, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज इट कैन बी सेट ऑफ। अगर एसएससी ने ऑप्ट करा है 115BAC के लिए, अब एक बार याद रखो अगर BAC के लिए ऑप्ट करा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में कोई लॉस आ नहीं सकता, और लेट आउट घर का लॉस इंटरहेड सेट ऑफ हो नहीं सकता। अगर आपने 115BAC के लिए ऑप्ट नहीं करा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में मैक्सिमम लॉस 30,000 या 2 लाख आ सकता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पर लिमिट है 30,000 और 2 लाख की, और इंटरहेड एडजस्टमेंट में लिमिट है 2 लाख रुपए की, पर 115BAC में सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में कोई लॉस हो नहीं सकता और इंटरहेड मैक्सिमम कुछ भी नहीं हो सकता, उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वंस वी हैव सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस इंटरहेड, अगर फिर भी बच गया तो अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1+8 years, पर अगले साल उस पर सिर्फ इंट्राहेड के रूल लगेंगे, यानी हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। फिर आते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन पे।
Now, business and profession में तीन bifurcations है. One is speculative, non-speculative and specified. Now, specified loss can only be set up against specified income. Speculative loss can only be set up against speculative income. पर जो non-speculative loss है, वो किसी भी income से set up हो सकता है, चाहे वो speculative है, चाहे वो non-speculative है, चाहे वो specified है. Now, non-speculative is any normal business loss. Speculative is this transaction का settlement हुआ without delivery. But यहाँ याद रखना है, derivatives, futures, options, इनके हमेशा non-speculative loss होंगे. Derivatives, futures, options, even commodities, agricultural commodities. Agricultural commodities पे तो even commodities transaction tax नहीं भी pay करा, तो भी non-speculative होता है. ठीक है सर. अब अगर मेरा net loss आ रहा है from non-speculative, normal business आ रहा है. अब इसका इंटरहेड एडजस्टमेंट क्या होगा? सैलरी से सेटअप नहीं हो सकता, बाकी सब से हो सकता है. सिर्फ ऑफ कोर्स लॉटरी और अनडिस्क्लोज से तो कुछ हो नहीं सकता, बाकी सब से सेटअप हो सकता है. और अगर नॉन स्पेकुलेटिव लॉस बच गया, देन इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 years और अगले साल उस पर इंटरहेड के रूल्स लगेंगे. यानी नॉन स्पेकुलेटिव लॉस अगले साल जाएगा तो वो किससे सेटअप हो जाएगा? नॉन स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड, किसी से भी, यानी इंटरहेड के रूल्स लगेंगे. अगर unabsorbed depreciation है, please remember unabsorbed depreciation के ऊपर दो changes हैं. एक, there is no time limit for carry forward, यानी 8 साल का limit नहीं लगता है. दूसरा, अगले साल भी unabsorbed depreciation पे intra and inter दोनों लग सकते हैं. यानी brought forward unabsorbed depreciation house property से भी हो सकता है, capital gain से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है. But brought forward business loss सिर्फ business head की income से हो सकता है, वो ये है. एक बात. Now, अगर मेरे पास नेट लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का नेट लॉस वो कैरी फॉरवर्ड होगा 4 साल के लिए 1+4 और अगले साल सिर्फ स्पेकुलेटिव से हो पाएगा. सो स्पेकुलेटिव लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है. नाउ स्पेसिफाइड बिजनेसेस को हमने 35AD की लिस्ट करी थी. 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस वो होते हैं जिनका लिस्ट दिया हुआ है, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, है ना, वो शुगर का स्टोरेज एंड सो ऑन. पर वहां पर भी एक एलिजिबल बिजनेस था, एलिजिबल फॉर डिडक्शन, वो डेट्स के बाद था. यानी मेरे पास अगर वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो मेरे पास 2009 के बाद शुरू होना चाहिए. 2009 से पहले का अगर कोई वेयर हाउस है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस तो है पर एलिजिबल फॉर डिडक्शन नहीं है. तो मैंने आपको बिजनेस हेड में कराया था, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से हो सकता है सेट ऑफ इवन इफ इट इज नॉट एलिजिबल. तो मेरा 2009 से पहले का एक वेयर हाउस है, उसमें मेरा 4 लाख का लॉस आ रहा है और मेरे पास 2011 का एक वेयर हाउस है जिसमें मेरा इनकम आ रहा है 6 लाख का, तो ये लॉस इससे सेट ऑफ हो पाएगा इवन इफ दिस इज नॉट एन एलिजिबल बिजनेस. सिमिलरली अगर यहां लॉस होता, यहां इनकम होती, तो भी ये इससे सेट ऑफ हो जाता. सो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से होगा, चाहे वो एलिजिबल फॉर डिडक्शन थी या नहीं थी. और अगर फिर भी नहीं हुआ, लेट से फॉर एग्जांपल यहां 24 लाख का लॉस था और यहां 6 लाख का इनकम है, तो 18 लाख का जो नेट लॉस बचा दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड देयर इज नो टाइम लिमिट. बट अगले साल ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा. तो हमने दो कर लिया फटाफट, एक करा हमने हाउस प्रॉपर्टी का रूल, एक करा बिजनेस का. अब आते हैं कैपिटल गेन्स पे. नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. शॉर्ट टर्म लॉस विद बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म लॉस ओनली विद लॉन्ग टर्म, और कैपिटल लॉस इंटरहेड सेट ऑफ हो नहीं सकता है. अगर कैपिटल लॉस अनएडजस्टेड रह गया तो उसको हम 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले साल भी उस पर इंट्राहेड के रूल्स ही लगेंगे. विच मीन्स ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट करंट ईयर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओनली. Then we come to other sources. Now other sources में दो चीजें ध्यान रखनी है. एक है covered by 56(1)(b). अब कई बार ICICI क्या कहता है, ICICI कहता है लॉटरी की विनिंग आई 30,000 की, खर्चा हुआ 32,000 का और लॉस दे रहे हैं 2,000 का. अब आपको बताना है कि खर्चा तो माइनस होता नहीं है, तो हमने 30,000 का इनकम लेना हो. तो पहली बात, इन इनकम्स में लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, बेटिंग, रेस हाउसेस पे बेटिंग वगैरह जो इनकम है उसमें लॉस आ नहीं सकता. और
इस इनकम के अगेंस्ट कोई लॉस सेटअप नहीं होगा, बेटिंग वाली, लॉटरी वाली और अनडिस्क्लोज इनकम के अगेंस्ट कोई लॉस सेटअप नहीं होगा। देन देयर इज स्टेक मनी, व्हाट वाज दिस? अस्तबल, घोड़े पालने का जिनको शौक है, रेस हॉर्सेस, जो दौड़ाने वाले घोड़े। एक आप देखते हो घोड़े गांव में भी पाले जाते हैं, पर वो दौड़ाने के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है ये, दिस इज फॉर टेक मनी विच इज रेस हॉर्सेस जो स्टेबल चला रहे हैं, उनका जो खर्चा है उससे अगर लॉस आ रहा है तो वो लॉस आप अपनी स्टेक मनी के प्राइस से, कभी घोड़ा जीत गया रेस में, उस प्राइस से सेट ऑफ कर सकते हैं एंड यू कैन डू इट इन 4 years। सो इफ देयर इज अ लॉस फ्रॉम स्टेक मनी इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 4 years, बट अगले साल वो सिर्फ स्टेक मनी की इनकम से सेट ऑफ होएगा। देन अदर लॉसेस, जैसे मेरा डिबेंचर इंटरेस्ट आया 1 lakh rupees का, पर मैंने जो लोन लिया था डिबेंचर खरीदने के लिए उसके ऊपर ब्याज जा रहा है 1.5 lakh rupees का, तो क्या मेरा लॉस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये लॉस जो आ रहा है मैं किसी भी और अदर सोर्सेस की इनकम से या स्टेक मनी की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं, बट लॉटरी और अनडिस्क्लोज से सेट ऑफ नहीं कर सकता। नेट लॉस बच गया ये वाला, अदर वाला, स्टेक मनी वाला नहीं, क्योंकि स्टेक मनी वाला तो इंटरहेड सेट ऑफ होगा नहीं। जो नेट अदर लॉस बन गया वो बेटा किसी भी इनकम से, किसी भी हेड से हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी बच गया तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। तो पूछो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज कैरी फॉरवर्ड करने के लिए देर मस्ट बी अ सेक्शन फ्रॉम 72 to 74, और अदर सोर्सेज के कैरी फॉरवर्ड के लिए कोई भी सेक्शन नहीं है। तो ये हो गए हमारे रूल्स। अब इसको समराइज करते हैं। आप देखो कुछ लॉसेस पे रिस्ट्रिक्शन है। शॉर्ट टर्म लॉस सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से हो सकता है, लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से हो सकता है, स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव से हो सकता है, स्पेसिफाइड लॉस स्पेसिफाइड से हो सकता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम यानी स्टेक मनी से हो सकता है। इन लॉसेस पे रिस्ट्रिक्शन है पर इनकी इनकम्स पे नहीं। तो सिंपल एग्जांपल एक बार और करते हैं। बिजनेस का नॉर्मल लॉस, बिजनेस का नॉर्मल लॉस मैं स्पेकुलेटिव से भी कर सकता हूं, लॉन्ग टर्म से भी कर सकता हूं, शॉर्ट टर्म से भी कर सकता हूं, पर शॉर्ट टर्म लॉस बिजनेस इनकम से नहीं हो सकता। तो एक बार कैरी फॉरवर्ड के रूल्स कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। नॉर्मली तो 8 साल चल रहा है, स्पेकुलेटिव वाला 4 है, टेक मनी वाला 4 है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कोई टाइम लिमिट नहीं है और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। पर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अगले साल भी, इन द नेक्स्ट ईयर कैन ओनली बी सेट ऑफ फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, बट अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को अगले साल भी इंटर और इंट्रा हेड लग सकता है, यानी अगले साल भी वो किसी भी हेड से हो सकता है सिवाय सैलरी एंड लॉटरी एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम। और अदर सोर्सेज के जो लॉसेज है वो तो कैरी फॉरवर्ड होते नहीं है। नाउ देयर इज एन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। अब जैसे अगर ये एग्जांपल दिया है, मुझे दिया है बिजनेस इनकम है बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर मुझे करंट ईयर डेप्रिसिएशन दिया, फिर हाउस प्रॉपर्टी का करंट ईयर का मेरे को लॉस दिया है, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड दिया है, और फिर दिया लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ द करंट ईयर। Now, जब मैं इनकम निकालूंगा, मैं सबसे पहले 4,80,000 में से करंट ईयर डेप्रिसिएशन दूंगा तो मेरे पास हेड ऑफ इनकम आएगा। 3,80,000 मेरी बिजनेस इनकम आ गई करंट ईयर की। अब सीक्वेंस क्या है? पहले इंट्रा हेड, तो लॉस फ्रॉम अदर बिजनेस पहले सेट ऑफ होगा, 3.5 lakh बच गया, ये हो गया। अब इंटर हेड, हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ द करंट ईयर, अब पहले ये सेट ऑफ होगा, आप सीधा सीधा ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं करेंगे, 2,30,000 हो गए। अब मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है लास्ट ईयर का और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब रिमेंबर ये 8 साल तक जाएगा, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो पहले मैं ये सेट ऑफ करूंगा। अब मेरे पास बच गया 1,50,000। अब क्या था, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 2 lakh की है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 2 lakh की है और अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब इसको तो हम किसी भी ऑर्डर में सेट ऑफ कर सकते हैं, पहले इसको कर दो, इसको कर दो, या पहले इसको कर दो, उसको कर दो, जो नेट बैलेंस है वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 2,60,000 में से 1.5 lakh सेट ऑफ हो जाएगा, नेल हो गया, और 1,10,000 का आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। नाउ अरे मेरी रिटर्न लेट होगी बेटा, 1394 में ड्यू डेट के बाद जा रही है, तो क्या मेरे को कैश लॉस होने वाला है? सोचो आपका 40 lakh का लॉस है बिजनेस का और आपकी रिटर्न 1394 में चली गई, तो आपको 40 lakh का लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे 40 lakh के ऊपर 30% यानी 12 lakh rupees का
कैश लॉस हो गया, क्योंकि आपको अगले साल सेट ऑफ मिल जाता तो टैक्स कम होता, अब नहीं मिलेगा, टैक्स बढ़ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर मेरे से गलती होगी यार, क्या मेरे को कहीं माफी मांगने की इजाजत है? तो है सर, आई कैन गो एंड इफ देयर इज जेन्युइन हार्डशिप, माफी कंडोनेशन ले सकते हो आप किससे? अगर लॉस 10 लाख तक है तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, अगर लॉस 10 लाख से 50 लाख है तो चीफ कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, और अगर लॉस 50 लाख से भी ज्यादा है तो बेटा आप सीबीडीटी के पास जाके माफी मांगिए, वो इसको कंडोन कर सकते हैं, विच मीन्स दे कैन अलाउ यू टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस। देन डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? मैंने अभी बोला लॉस ऑफ वन बिजनेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फ्रॉम अदर बिजनेसेस ऑफ द सेम एसेसी इवन इफ द बिजनेस इन विच द लॉस वॉज इनकर्ड इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो अगर एक्स लिमिटेड ने अपना बिजनेस बेच दिया या बंद कर दिया, एक्स लिमिटेड ही अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगी। बंद कर दिया तो अगर 8 साल में कोई नया बिजनेस शुरू करा तो उसमें से सेट ऑफ कर लेंगे, लेकिन अगर बेच दिया तो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। ही सेड एक्स लिमिटेड इनकर्स अ लॉस ऑफ 30 लाख इन इट्स टेक्सटाइल बिजनेस इन 22-23, इट सेल्स इट्स टेक्सटाइल बिजनेस टू वाई लिमिटेड। नाउ ये 30 लाख का लॉस हु कैन कैरी फॉरवर्ड? एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। हाउएवर इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, और ये एक्सेप्शंस इंटर लेवल पे सिर्फ थ्योरेटिकल रेलेवेंस होगा। हमने कहा था अमालगमेशन में, डीमर्जर में, फर्म जो कंपनी बना रही है 47-13 की कंडीशंस है, प्रोप्राइटरी कंसर्न टू कंपनी 47-14, कंपनी टू एलएलपी 47-13B, एंड इनहेरिटेंस बाय पर्सनल लॉ, यानी ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, पापा से बेटे को अपना बिजनेस मिल गया प्रोप्राइटरी कंसर्न, तो बेटा कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। इन केसेस में प्रीडिसेसर का लॉस सक्सेसर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, यानी अमालगमेटिंग कंपनी का लॉस अमालगमेटेड कंपनी कर सकती है, फर्म का लॉस कंपनी कर सकती है, प्रोप्राइटरी कंसर्न का लॉस कंपनी कर सकती है, इफ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इनहेरिटेंस के केस में एक जजमेंट आई थी सीआईटी वर्सेस मधुकांत मेहता, जहां पर क्या हुआ था कि मधुकांत जी की डेथ के बाद उनके बेटे ने, उनकी वाइफ ने, उनकी बहू ने मिलकर एक फर्म बना ली थी, और मधुकांत मेहता जी का प्रोप्राइटरी बिजनेस था स्पेकुलेशन ऑफ शेयर्स का, और उसके लॉसेस थे, और इन्होंने बोला कि हम फर्म में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हमें पता है प्रोप्राइटरी कंसर्न का लॉस फर्म नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकता, पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि अगर फर्म कंसिस्ट ओनली ऑफ लीगल हेयर्स, भाई अगर पापा की डेथ के बाद बेटा अगर प्रोप्राइटरी कंसर्न शुरू करता तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लेता, तो अगर बेटे दो हैं, तीन हैं या लीगल हेयर्स हैं जिनको ये मिलना था बिजनेस, उन्होंने मिलकर एक फर्म बना ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो फर्म भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बोली, इनहेरिटेंस के केस में स्पेकुलेटिव लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सिर्फ नॉन स्पेकुलेटिव नहीं, स्पेकुलेटिव भी हो जाएगा, नॉन स्पेकुलेटिव भी हो जाएगा, लेकिन अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड बाय द सक्सेसर इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस के केस में हमने जो बात करी उसको एक बार लास्ट टाइम फिर से, स्पेकुलेटिव लॉस, नॉन स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड बट अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कांट। इन सारे केसेस में सिर्फ नॉन स्पेकुलेटिव एंड अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ऑफ द प्रीडिसेसर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड बाय द सक्सेसर। Now, we revised the rules. Let's have a look at the July 21 question. Mr. X, a resident individual, submits the following information relevant to the previous year ending 31st March 23. अब आप देखोगे ऐसे question में 5 नंबर का सवाल है, ICI ने आपको हर head की अलग अलग incomes compute करके दी हुई है। अब मैंने column 1 में क्या किया, salary को लिख लिया, house property का Delhi में income है, हाउस प्रॉपर्टी का चेन्नई में लॉस है, और 20,000 का लॉस मैंने अलग अलग लिख लिया। वही 5 कॉलम अप्रोच के बारे में बता रहा हूं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स में टेक्सटाइल बिजनेस, कॉस्मेटिक बिजनेस, ये नॉर्मल बिजनेस हो गए, नॉन स्पेकुलेटिव, तो मैंने नॉन स्पेकुलेटिव में दोनों लिख लिया, स्पेकुलेटिव में 2 आ गए। कैपिटल में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बेटिंग, कार्ड गेम्स, ये तो सेम आ जाएगा, बेटिंग और कार्ड गेम्स, तो वही अपनी बेटिंग वाली इनकम आ गई, लॉटरी वाली इनकम आ गई। लॉस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज, ये आपका स्टेक मनी वाला आ गया, अलग अलग लिखिए। अब कहता है डिटरमिन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एक्स एंड लॉसेज टू बी कैरिड फॉरवर्ड अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर बीएससी।
अब इस क्वेश्चन में क्लबिंग नहीं है तो मैं कॉलम नंबर टू बनाने की जरूरत ही नहीं है। कॉलम नंबर थ्री आफ्टर इंट्रा हेड, तो सैलरी का सेम आ गया। अब किसी भी घर का लॉस किसी भी घर की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, तो मेरे पास नेट लॉस आ गया 258 का। अब स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव से करेंगे, और जो बच गया स्पेकुलेटिव लॉस 28,000 का, अब वो कैरी फॉरवर्ड होगा तो इसको यहां लिखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो इंटरहेड सेट ऑफ होता ही नहीं है। नॉन स्पेकुलेटिव लॉस को सेट ऑफ करेंगे तो 4,000 रुपए का मेरा लॉस बच गया। अभी इस पे देखते हैं क्योंकि ये इंटरहेड हो सकता है। फिर मेरा शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म से हो सकता है पर वो इंटरहेड नहीं हो सकता है, तो मैंने यहां पर निल डाल दिया और बोल दिया 600 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अदर सोर्सेज में स्टेक मनी का लॉस इंटरनेट होता नहीं है तो वो भी अलग से लिख लेते हैं, 14,600 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और यहां सिर्फ 80,000 लिखा, यानी थोड़ी सफाई कर दी। जो लॉसेज सेट ऑफ हो ही नहीं सकते इंटरनेट उनको नीचे लिख दिया कैरी फॉरवर्ड और बाकी फिगर्स ऊपर लिख दिया। अब मेरे पास दो लॉसेज है, अब मुझे डिसाइड करना है क्या मेरा बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ होता है, नहीं होता है। क्या मेरा बिजनेस का लॉस लॉटरी से होता है, नहीं होता है। तो चलिए अब ये भी कैरी फॉरवर्ड में आ गया और यहां से मैंने हटा दिया। एंड द मोमेंट आई कीप डूइंग इट आई विल कीप राइटिंग नोट्स, भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, हर एक चीज के लिए बारे में आपको नीचे प्रेजेंट करना है तभी नंबर मिलेंगे। क्लास में मैंने बहुत डिटेल में कराया, यानी अब मेरे पास जैसे यहां पर आ गया नोट फोर, आपने सेट ऑफ कर दिया, यहां पर आप लिख देंगे भाई हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब इंटरहेड में मेरे को पता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ 2,00,000 तक सेट ऑफ होता है, तो मैंने यहां पर सेट ऑफ तो कर दिया पर नीचे जाके 58,000 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया और 2,00,000 को सेट ऑफ करके यहां 22,000 लिख दिया और नीचे पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्या किया और ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में ब्रॉड प्रॉफिट लॉस है नहीं, तो जो फिगर वहां आए वही था, यानी मेरी जीटीआई आ गई 1,02,000। सो दिस इज इन फास्ट क्विक रिविजन द रूल्स ऑफ सेट ऑफ। होप यू एंजॉयड इट। इफ यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स टू बी डन फॉर यू प्लीज टेल मी एंड आई शेल रिकॉर्ड द सेम। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।